दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी पर। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वो अतिथि शिक्षक जिनकी अभी तक पोर्टल पर फीडिंग नहीं हुई है, पोर्टल पर नाम नहीं चढ़ा है, उनको लेकर आदेश आया है। दोस्तों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। कुछ अतिथि शिक्षक बीच में लगे हुए थे, अगस्त सितंबर में उनको बुला लिया गया था, लेकिन पोर्टल ना खुलने की वजह से उनकी फीडिंग नहीं हो पाई है। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने एक प्रमाण पत्र मांगा है कि आपके संकुल में कोई ऐसे अतिथि शिक्षक तो नहीं है जिनकी फीडिंग नहीं है। दोस्तों लिंक के माध्यम से उनकी फीडिंग होगी और आप जल्दी से जल्दी अपने संकुल प्राचार्य से कांटेक्ट करें। अगर आप 2-4 महीने से काम कर रहे हैं, आपका नाम पोर्टल पर नहीं चढ़ा है, तो आप मानदेय से वंचित रह जाएंगे। साथ में आपका अनुभव प्रमाण पत्र और शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी भी अपलोड नहीं हो पाएगी। इसको लेकर एक में अपडेट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, बोनस अंक 50% आरक्षण को लेकर एक और वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कुछ अतिथि शिक्षकों ने निराशा जताई है कि हमको महापंचायत के आदेश क्यों जारी नहीं किए गए और 50% आरक्षण हमको क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देखें, मंगाया अतिथि शिक्षकों का ब्यौरा, साथ में प्रमाण पत्र भी देना होगा। यहाँ पर आप अपडेट को देख सकते हैं। भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इसे लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी अपने आदिनस्थ संकुल प्राचार्य से इस आशय का प्रमाण पत्र भी लें कि संकुल के अंतर्गत किसी भी शॉर्ट टर्म रिक्ति में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज के लिए प्रकरण शेष नहीं है। दोस्तों महापंचायत हुई थी, घोषणाएं हुई थी, आदेश जारी नहीं हुए। इसको लेकर बहुत से भाई परेशान हैं और कुछ भाई अनुभव प्रमाण पत्र का दावा नहीं कर पा रहे हैं और उसमें लिखा आ रहा है कि आप अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। बहुत से भाइयों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, सर बताइए आखिरकार यह हमारी जो प्रक्रिया है वो कैसे हल होगी, कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो GFMS पोर्टल है उस पर कई भाइयों की जानकारी गलत दर्ज हो चुकी है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, एक्सपीरियंस हो, उसको लेकर भी परेशान हैं। उनका कहना है कि सर हम क्या करें। तो उनके लिए नोटिफिकेशन तो जारी हुआ है पोर्टल पर, लेकिन कब से ये ऑप्शन खुलेगा। और अतिथि शिक्षक जो नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है वो कब पूर्ण होगी, कब तक अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया जाएगा। दोस्तों पहले ऐसे ही शिक्षाकर्मी थे, उनकी भर्ती होती थी, जुलाई में हो जाती थी और 30 अप्रैल तक उनकी सेवाएं समाप्त की जाती थी, लेकिन शिक्षाकर्मियों को बीच में नहीं हटाया जाता था। धीरे धीरे चलता रहा और वो नियमित हो गए। इसके बाद में गुरुजी, दोस्तों गुरुजियों को भी नियमित कर दिया गया और अब है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक, वो भी परेशान है। दोस्तों उनकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसके बाद में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण वीडियो लाने वाला हूं और आज सभी भाई ऑनलाइन जरूर आएं। आज मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, सभी की कमेंट्स भी देखूंगा। दोस्तों बाकी फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।